दोस्तों, अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हो, यानी कि अगर आप एक ईपीएफओ का मेंबर हो, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि पीएफ में एक नया अपडेट आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपडेट है वो पीएफ केवाईसी के लेकर अपडेट है और ये 1 जनवरी 2022 से लागू भी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टेक वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो सबसे पहले आप वॉच करो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने वाले के स्क्रीन पे और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो पीएफ केवाईसी को लेकर नया अपडेट है वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं गया हूँ अपने वाले के स्क्रीन पे और आपका जो क्रोम ब्राउजर है आपको इसे ओपन कर लेनी है। तो जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे, आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करनी है ईपीएफओ। ओके, तो जैसे आप ईपीएफओ टाइप करके आप यहाँ पे सबके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे अनफाइड पोर्टल का लिंक देखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो जैसे क्लिक करोगे आपको ऊपर दिख जाएगा, स्क्रॉल करके नीचे आनी है और ऊपर आपको दिख जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस अबाउट आधार लिंकिंग। तो यहाँ पे जो क्लिक हेयर लिखा है आपको इस पर क्लिक कर देनी। तो जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे आपके पास पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा है प्री ईपीएफ सदस्य, यदि आपका यूएन आधार संख्या से लिंक नहीं है तो आपका नियोक्ता प्रतिष्ठान 1/1/2022 से आपका मासिक योगदान जमा नहीं किया जाएगा। ओके, इसलिए आपसे अनुरोध है कि 31/12/2021 को उससे अधिक पहले अपने आधार को यूएन से लिंक करिए, यदि यह पहले से लिंक नहीं है। तो वही जो ऊपर हिंदी में लिखा है वही इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हो। दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो पीएफ अकाउंट है आप अपने आधार कार्ड से लिंक जरूर जरूर करवा लें। दोस्तों, ये थी न्यू अपडेट, जो कि मैं सोचा चलो आपको ये अपडेट बता दूं। आई होप कि आपके वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने भाई के साथ जरूर जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।